पैदाइश कहाँ की है? आपकी आवाज कट रही है सपना जी। जी जी पर जन्म स्थान बताइए फिर प्रश्न रखिए। लालगंज इम्फाल यूपी रायबरेली। नहीं 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 यूपी रायबरेली कहा आपने? लालगंज बाराबंकी लालगंज बाराबंकी। जी 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 अब सवाल पूछ लीजिए सपना जी। हेलो हाँ जी सपना जी प्रश्न पहुंचाइए नेटवर्क में आ जाया करिए नहीं तो पूरे दिन आप चिंतित रहेंगे कि काश पूछ लिया होता कुछ। मैं भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जो काम की बात है वो सुनाई नहीं दे रही है जी। आप प्रश्न सिर्फ प्रश्न पूछिए आप सपना जी हमने समझ गए हैं कि आप भाई के बारे में पूछना चाहती हैं। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है ये देखिए आ गई ये बात मेरे भाई के बारे में जी आप बताइए दोबारा बताइए प्रश्न जी भाई के मैं भाभी मेरी थोड़ा सा 2004 में मेरे भाई की शादी हुई थी जी। अच्छा। और उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई। अच्छा जी जी हमें बहुत इस चीज का दुख है जी। आप आगे चाहती हैं आप उनकी दूसरी शादी हो? जी शादी उनकी कब तक होगी और आगे की मैरिज लाइफ उनकी कैसी चलेगी? जी 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 चलिए फाइनली बिल्कुल प्रश्न आ गया है। देखिए कुंडली इनकी कर्क लग्न की है राशि भी इनकी कर्क है। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वादशी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र बुध की महादशा 2017 है और द्वितीय भाव में सूर्य और शनि की उपस्थिति है। द्वितीयस्थ सप्तमेश का रहना ठीक नहीं होता है दाम्पत्य जीवन के लिए और वही तकलीफ प्रकृति ने इनको दिया। 2 जनवरी 2017 के बाद इनके विवाह के संकेत मिल रहे हैं लेकिन फिर बता देते हैं दाम्पत्य सुख इनके जीवन में नहीं है ये आप लिख के रख लीजिएगा। तो मन को अपने थोड़ा सा मजबूत बनाए आपके भाई और जीवन में बाकी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करें। थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ रुझान रखें योगा प्राणायाम प्रातःकालीन वेला में कर लें सात्विक आहार ग्रहण करें और गुरुवार का व्रत कर लें बस इतना उपाय करवाइएगा। द्वितीय विवाह निश्चित है लेकिन वैवाहिक सुख पुनः एक बार कमी की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए अब हम आपको एक और खास जानकारी दे देते हैं। वो जानकारी ये है कि बहुत जल्द हमारे पूर्वज पधारने वाले हैं। जी हाँ पितृ देवो भव कल आज और कल ये खास पेशकश भी आपके लिए लेकर आने वाला है क्योंकि हमारे पितृ हमारे पास आने वाले हैं तो क्यों ना उनका दिल खोलकर हम स्वागत करें आदर और सम्मान के साथ उनकी आवभगत करें। जी हाँ 15 दिन तक हमारे पितृ हमारे साथ रहेंगे कोई कमी कोई किसी भी तरीके की कोई भी पूरे 16 दिन 16 दिन पूर्णिमा से लेकर अमावस्या जी पूर्णिमा भी इसमें शामिल है बिल्कुल। तो पूरी जानकारी पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले से यानी कि कल का दिन भी हमारा रहेगा इसी जानकारी के साथ भी कि कैसे आपको सावधानियां बरतनी होगी इन पूरे दिनों में। तो पितृ देवो भव के साथ एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको एक और खास पेशकश की झलक हमारी। अक्षन पितरो अमी मदंत पितरो अति तृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम् शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पितृ देवो नमो नमः इसी मंत्र के साथ ही हम शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की। जरूर जुड़ेगा हमारे साथ लेकिन फिलहाल मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की बारी आ गई है कैसा रहेगा दिन इनका आज का आइए जान लेते हैं। चलिए शुरुआत मेष वालों से करते हैं आपका दिन कैसा बीतेगा बप्पा को क्या देकर के आप रिझाए प्रसन्न करें मना लें। नारियल की बर्फी आपके हिस्से में बप्पा को अर्पित करिएगा मान सम्मान बढ़ेगा नीला रंग शुभ रहेगा और 74% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि बप्पा को हरा वस्त्र चढ़ाइएगा आत्मविश्वास बढ़ रहा है हरा रंग शुभ है 68% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि एक गोल्डन पेन अर्पित कर दीजिएगा पढ़ाई की समस्या दूर होगी भूरा रंग शुभ है 59% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि
बप्पा को पीली मिठाई चढ़ाइएगा, घर में मेहमानों का आगमन रहेगा, गुलाबी रंग की शुभता है और भाग्य प्रतिशत है 72। सिंह राशि, बप्पा को छोटा सा ढोलक अर्पित कर दीजिएगा, नए संपर्क बनेंगे, आसमानी रंग की शुभता है, 48% का भाग्य आपके साथ। और राशि कन्या, छोटा सा आईना रखिएगा बप्पा के चरणों पर, सोच समझ कर विश्वास करें, नारंगी रंग की शुभता है, 66% का भाग्य आपके साथ। तो जिस तरह से हमने आपको झलक भी दिखलाई है अपने दो दो खास पेशकश की, गणेश विसर्जन की भी और पितृ की भी, तो पितृ देवो भव और अनंत चतुर्दशी ये दोनों खास पेशकश हमारी कल से ही होंगी और इनसे जुड़ी एक एक जानकारी बहुत अनिवार्य है आपके लिए जानना, तो जरूर जुड़ेगा कल जरूर ये दोनों ही जानकारियों के लिए। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं अब किचन पिटारे की तरफ और किचन पिटारा आज का बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं झगड़ों के बारे में। अगर आपकी आदत है हर छोटी छोटी बात पर बिगड़ जाने की, झगड़ा करने की, चाहे वो पड़ोस हो चाहे फिर आपके साथ काम करने वाले लोग हों, बस आप छोटी-छोटी बातों पे तुनक जाते हैं और झगड़ने लगते हैं, अगर इस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये किचन पिटारा सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। आचार्य जी क्या है आज इसमें खास, आइए जान लेते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए, लेश मात्र नमक मिर्च तेज होने पर थाली फेंकने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, छोटी सी बात पर बहुत बड़ा सा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पड़ोसी ने कूड़ा क्या है थोड़ा सा डाल दिया आपके दरवाजे पर शुरू हो गए, ऐसे तमाम लोग होते हैं। ये हमारी शक्तियों का ह्रास करता है, क्रोध करना, आवेश में आना, तैश में आना, हर प्रकार से आपकी क्षमता को प्रभावित करता है, अर्थात झगड़ा किसी भी समस्या का ना हल है ना तो उसका शांति का कोई रूप है। झगड़े से बचा कैसे जाए, अपनी शक्ति को पाला कैसे जाए, अपने क्रोध पर काबू कैसे किया जाए, सब कुछ आपकी रसोई के अंदर उपस्थित एक सामग्री में निहित है। सामग्री है आज का हरी मिर्च। हरी मिर्च का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हम बताएंगे, लेकिन पहले इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें। भोजन को मसालेदार आदि जायकेदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर आदि जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने में भी यह सहायक होता है, उसको रोक सकता है, इसकी बीजों में ऐसी शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है और प्रभाव है इसके अंदर बुध और राहु का, तीक्ष्णता की वजह से राहु और हरेपन की वजह से बुध। एक कटोरी में एक मिर्च के चार टुकड़े रख लीजिएगा, एक चुटकी नमक डालिएगा और थोड़ा सा गंगा जल ऊपर से छिड़क दीजिएगा। अब एक तुलसी की पत्ती भी इसके अंदर समाहित कर दीजिए, शांत करना है, तीव्रता को कम करना है। दाहिने हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करिएगा और सामग्री को ले जाकर केले के पौधे के नीचे डालिएगा। मतलब बृहस्पति को भी बिना लिए हम शांत कैसे कर सकते हैं, विवेक अर्थात ज्ञान, आपके दिव्य ज्ञान को बृहस्पति ही बल देता है। छोटा सा उपाय है, तर्क के साथ इसको समझिएगा और इसे करने के साथ आनंद उठाइए। चलिए एक कॉलर से बात कर लेते हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ पार्वती जुड़ी हैं, स्वागत है आपका पार्वती जी। हेलो जी पार्वती जी। नमस्ते शैजा जी। नमस्कार पार्वती जी। गुरु जी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। गुरु जी पहले बात हुई थी आपसे। अच्छा गुरु जी मेरे बेटे के बारे में पूछना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी हमारी एक ही संतान है गुरु जी, वो अच्छा हो जाए हमारा यही प्रार्थना है गुरु जी। उसका जन्म है 4199। जी जी जी। स्थान है गुवाहाटी, शाम 7:15। जी आप चाहती हैं आपका जो बेटा है बहुत संस्कारी बने। हाँ जी, और कॉमर्स लिया हुआ है, 11 में पढ़ रहा है, वो आगे जाके क्या प्राइवेट सेक्टर में करेगा या गवर्नमेंट में करेगा जी, और वो संस्कारवान बने यही गुरु जी हम चाहती हूँ। बिल्कुल संतान है गुरु जी। चलिए
कम नहीं होता, एक भी बहुत होता संतान वंश को आगे ले जाने के लिए और आपका नाम यश कीर्ति फैलाने के लिए। माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया का जन्म है, पुष्य नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र होता है, थोड़ा अलग तरह का स्वभाव बनाता है। कर्क लग्न, कर्क राशि, लग्न में ही चंद्रमा और राहु की उपस्थिति है, ग्रहण दोष बना दिया है। बच्चा आपका ठीक है, बच्चे में कोई बहुत बड़ा ऐप नहीं है। शनि नीच का होने के कारण कार्य क्षेत्र में जब ये नौकरी आदि करेगा तो वहां पर इसकी संगति बिगड़ेगी, थोड़ा सा खाना पीना सीख जाएगा जो कि दुर्वसनु की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो उस समय समझाना होगा। अभी फिलहाल इसको आप गायत्री मंत्र का जाप करवाइए। कॉमर्स लिया है, बहुत बढ़िया है, यही क्षेत्र इसके लिए, सरकारी नौकरी का योग तो बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग या CA कर सकता है बच्चा। शुभकामनाएं हमारी, मांस भक्षण से परहेज करवाइएगा और शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलवाइएगा। और चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर, और आज का विषय जैसा कि सोच को लेकर था भाई, आधा ग्लास पानी जो कि आधा भरा है आधा खाली है, ये आपकी सोच है कि आप उसे खाली देख रहे हैं या आधा भरा हुआ देख रहे हैं, तो ये महा उपाय आपकी सकारात्मक सोच को जगा देगा। क्या है ये आज का महा उपाय, आइए जान लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीन सिद्धांत होते हैं विशेष रूप से हमारे दैनिक जीवन के। मन में कोई चीजें आई, हमारी सोच आई, इसके बाद हमारी वाणी वाचा और फिर उसके बाद कर्म, ये तीनों चीजों का सम्यक मिश्रण है जिसमें मूल में आपकी सोच ही होती है। सकारात्मकता कैसे ले आए अपने सोच में, अब आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। तीन लौंग प्राप्त करें, ये पहला उपाय है और आरंभिक स्टेज है ये, उसे हल्दी से गीला कर लीजिए, हल्दी गंगा जल से घोल लीजिएगा, उल्टे हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करिएगा, उत्तम विचार के लिए प्रार्थना करिएगा। किस प्रकार की सोच आनी चाहिए, कैसा आप सोचें, बस परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, यही एक प्रार्थना सब कुछ दिलवा सकता है। जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियां या फिर बड़े बड़े घर मांगने लग जाएंगे, पता नहीं यार मुकद्दर में है कि नहीं, सोच अच्छी मांगेंगे तो सब कुछ हम खुद से कर लेंगे, बहुत बारीक सा अंतर हमने बताया है। करिएगा, सोच को दिव्य करिएगा, इसके बाद लौंग को आप बप्पा के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। काम पूरा हुआ, अब बप्पा के फल देने का वक्त आ जाएगा। और चलिए अब बाकी बचे राशिफल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो तुला से लेकर मीन तक का है क्या है हाल, और साथ ही साथ ये लोग गणपति बप्पा को क्या कुछ अर्पित करेंगे आज, आइए जानते हैं। चलिए, तुला राशि वालों के लिए है, बप्पा को 5 दुर्वा के टुकड़े हरी घास ये अर्पित कर दीजिएगा। आज खर्च बहुत बढ़ेगा, मकर का चंद्रमा है, जामनी रंग की शुभता है, 53% का भाग्य। वृश्चिक राशि, पीला वस्त्र अर्पित करें, शादी का योग बन रहा है, क्रीम रंग की शुभता रहेगी, 69% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, बप्पा को सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, पीला रंग आपके लिए आज शुभता का पैगाम देगा, 53% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मकर राशि, बप्पा को खोए के लड्डू चढ़ाएं, दोपहर बाद अचानक धन लाभ होगा, सफेद रंग की शुभता है, 67% का भाग्य आपके साथ है। बात कुंभ राशि की, बप्पा को छोटा सा मुकुट अर्पित कर दीजिएगा, अति विश्वास से बचें, नारंगी रंग की शुभता है, 71% का भाग्य आपके साथ है। मीन, बप्पा के चरणों में छोटा आईना रखें, शिक्षा में मन लग रहा है, लाल रंग शुभ रहेगा, 60% का भाग्य आपके साथ है। आचार्य जी, आपका हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आज की पूरी जानकारी देने के लिए, लेकिन कल की जानकारी की एक छोटी सी रूपरेखा भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब अंतिम पड़ाव पर हैं आप, बप्पा के आशीर्वाद को पाने के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो कल का दिन चूकना नहीं है, साथ जुड़िएगा, बहुत कुछ पाएंगे, इससे अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ में क्या कुछ आ जाएगा ये आने वाला कल बताएगा। तो नम आंखों से आप विदाई बेशक देंगे गणपति बप्पा को, लेकिन सदा सदा के लिए वो आपके साथ रहेंगे, ऐसे कुछ उपाय और जानकारियां होंगी कल सुबह 8 बजे भी। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, क्योंकि अभी वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि।
दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ़ गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रवेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि बोले तो अपुन कह रिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई डेंगू और चिकुनगुनिया बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई अरे पापा कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या ड्रम कूलर गमले पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का टायर प्लास्टिक के कप ग्लास नारियल के खोल में पानी जमाना होने दे डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है मच्छर के काटने से बचे बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का एस्प्रिन नहीं पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई सीधा है रे बदन दर्द सर दर्द तेज बुखार थकावट बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का खुद डॉक्टर नहीं बनने का समझा वाह भाई आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई साल के 6,000 और महीने के 500 ये सिर्फ रुपए नहीं है किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है नहीं है भाई 400 रुपया घर है हालत बिगड़ी है जहाँ से बहुत मदद है माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया ये क्या कम है समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे बढ़ता रहे गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे कब क्यों कहां कैसे जुड़ा है किस खबर से आपका सर उठा
खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का बड़ा फैसला, शिवपाल सिंह यादव बने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, सीएम अखिलेश को यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। दो मंत्रियों के बाद अब सीएम अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाया, राहुल भटनागर ने संभाली मुख्य सचिव की जिम्मेदारी। दिल्ली में 24 घंटे में चिकनगुनिया से 5 की मौत, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चिकनगुनिया से हुई मौत से किया इनकार, बीजेपी का आरोप गंभीर नहीं है केजरीवाल सरकार। नितिन गडकरी ने झाड़ा अच्छे दिन से पल्ला, अच्छे दिन के नारे को बताया गले की हड्डी, कहा पहले मनमोहन सिंह ने की थी अच्छे दिन की बात। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में बीती रात एक टावर में लगी आग पर पाया गया काबू, करीब 30 दुकानें आग की चपेट में आने से हुआ करोड़ों का नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी और प्रशासनिक फेरबदल के बीच आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा और प्रदेश में मंत्री शिवपाल यादव में चल रही तनातनी आज किसी मुकाम तक पहुंचने की पूरी आशंका है। खबर है कि खुद से पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभाग छीने जाने और अपने कई वफादार अधिकारियों की छुट्टी होने से आहा शिवपाल सिंह यादव मंत्री पद से यानी कि मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा दे सकते हैं। सोमवार को मुलायम सिंह और शिवपाल के करीबी दो मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल की भी छुट्टी कर दी, जबकि इस उठापटक में शाम ढलते ढलते अखिलेश यादव को भी मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। मुलायम ने उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने देर शाम शिवपाल को तीन मंत्रालयों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और राजस्व विभाग छीन लिया। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार में शिवपाल के पास अब सिर्फ समाज कल्याण और प्रतिभूमि विभाग है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया, अपनी सरकार की इमेज सुधारने की गर्ज से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर कड़े फैसले लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपसी पारिवारिक खींचतान अब साफ तौर पर सामने आ गई है। शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि वो इस तरह से सरकार के साथ काम नहीं कर सकते, वो संगठन की Shine, 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 Sh
और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सैफई से शिवपाल यादव की। ये माना जा रहा है कि सैफई से वो सीधे लखनऊ पहुंचेंगे और मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि वो संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। शिवपाल यादव ने भी साफ कर दिया है कि वो इन हालातों में अखिलेश यादव के साथ काम नहीं कर सकते। हालांकि कल मीडिया से बात करते हुए वो अपना दर्द नहीं छिपा पाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री किसी की भी राय और कोई भी फैसला लेने के लिए आज़ाद है। चाचा भतीजे के बीच इस तनातनी पर तनातनी उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब मुलायम सिंह यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश यादव की छुट्टी करते हुए अध्यक्ष पद पर शिवपाल यादव को बिठा दिया। तो दो खेमों में दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। हालांकि जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि जिसके लिए हर एक राजनीतिक दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, और ऐसे में सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी में इस तरह का कलेश पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब भविष्य में बन सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार और समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक पर विपक्षी दलों ने नपी तुली प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। ये सैफई परिवार का ड्रामा है, समाजवादी पार्टी इसमें सिनेमावादी पार्टी बन गई है। अगर श्री मुलायम सिंह यादव जी श्री अखिलेश यादव से नाराज है तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और अगर श्री अखिलेश यादव जी श्री मुलायम सिंह जी से और श्री शिवपाल यादव जी से नाराज हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके घर में बहुत दिनों से गृह युद्ध चल रहा है और उत्तर प्रदेश केवल अब एक परिवार की पार्टी थी, पूरी प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था। उनके कई मंत्री ये भी कह चुके थे कि ये जहाज डूब रहा है, तो अब डूबते जहाज में लड़ाइयां चल रही हैं। ज्यादातर घर के लोग ही उस जहाज पर बैठे हुए हैं, और क्योंकि अब समुद्री तूफान है इसलिए वो अब सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं समझता हूं जहाज ये सिंक करेगा और फिर इसके बाद बिखर जाएगा। कि जो कल फैसला हुआ था वो फैसला विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री जी का, हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबका एक विशेष अधिकार होता है कि अपनी कैबिनेट में किसी भी मंत्री को प्रमोट कर सकता है, किसी को डिमोशन कर सकता है, किसी को हटा सकता है, किसी को ला सकता है। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, जो नेताजी ने भी कही बात। और ज्यादा अपडेट जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राघवेंद्र त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, इसे एक बड़ा फैसला और बड़ी उठापटक के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से मुख्यमंत्री को यानी कि अखिलेश यादव को हटाया गया, उसकी जगह शिवपाल सिंह को बिठाया गया, सरकार में शिवपाल सिंह से अहम मंत्रालय छीन लिए गए। अब इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखे जाए, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि इस बीच शिवपाल यादव थोड़े से नर्म पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जो कहेंगे वो वही करेंगे। जी बिल्कुल, यह समाजवादी पार्टी का तला है जो सतह पे दिख रहा है। यह आज से नहीं है, सरकार गठन से लेके ही है, चूंकि शिवपाल अलग ध्रुव चला रहे थे, अखिलेश का अलग एजेंडा चल रहा था, रामगोपाल अलग सरकार चला रहे थे, मुलायम सिंह अलग सरकार चला रहे थे, उसी की परिणति है कि आज सब लोग अपने मन की कहने लगे। मुलायम से भी नहीं राय ली जा रही है, हालांकि शिवपाल पर बार कह रहे हैं कि जो नेताजी कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अब शिवपाल आगे बढ़ चुके हैं, अखिलेश भी आगे निकल चुके हैं। अखिलेश ने दिखा दिया कि वो जो चाहेंगे उत्तर प्रदेश में वही होगा, सरकार में वही रहेगा जिसको चाहेंगे। जिस तरह से शिवपाल को उन्होंने विभाग छीने हैं उससे शिवपाल आहत है, हो सकता है आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दें। और शिवपाल ने साफ कहा है कि संगठन के काम को लेकर सड़क उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अगली बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री में और संगठन में सरकार और संगठन में तारतम्य ही नहीं रहेगा तो अगली सरकार की स्थिति कैसे बनेगी, यह थोड़ा सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, फिर पूरे तीनों भाइयों को बातचीत किए हैं, बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया में खबरें आई हैं कि शिवपाल यादव इस्तीफा दे सकते हैं, अगर शिवपाल यादव इस्तीफा ना देंगे तो अखिलेश यादव खुद इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसको लेकर मुलायम सिंह यादव थोड़ा सचेत हुए हैं और इसकी बैठक बुलाई है। 11 बजे शिवपाल यादव लखनऊ आ रहे हैं, उसके बाद देखना होगा क्या वाकई में इस्तीफा देते हैं, क्या संगठन काम देखेंगे या सरकार में उनका रुतबा पुराना फिर बहाल। राघवेंद्र, क्या माना जाए राजनीति के लिहाज से और इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ पहुंचेंगे सैफई से शिवपाल यादव और माना जा रहा है कि फिर वो सरकार से इस्तीफा देकर